तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बी एड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग यानी कि फ्रेंड्स बिना किसी की सेट किए हुए हम प्लानिंग को नहीं कर सकते तो वो क्या चीज है जिसको सेट किए बिना हम प्लानिंग स्टार्ट नहीं कर सकते ऑप्शन हैं बजट ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स या फिर नन ऑफ दी अवर तो फ्रेंड्स प्लानिंग को हम बिना किसी ऑब्जेक्टिव के नहीं कर सकते तो ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है तो राइट right, ऑप्शन uh, है हमारा टू नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ यानी कि इकोनॉमिक है उसकी फॉर्म्स क्या कंसिस्ट यानी क्या रखती हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर या फिर नन ऑफ दी अव तो फ्रेंड्स का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन वन जो कि है पब्लिक सेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दी ओनर्स ऑफ दिजनेसिडर्ड एज क्रेडिटर्स यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के वो कंसिडर ट्रीट किए जाते हैं मनी मेजरमेंट में कॉस्ट में ड्यूअल आस्पेक्ट में या फिर सेपरेट एंटिटी में तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर जो की है सेपरेट एंटिटी क्योंकि सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों को अलग कंसिडर किया जाएगा इसीलिए ओनर्स वहां पे एज अ क्रेडिटर कंसिडर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द कैश फ्लो स्टेटमेंट शो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि कितनी हेडिंग्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शो किया जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट में ऑप्शन से हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वह है ऑप्शन थ्री जो कि है हमारा थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं ऑल फॉलोइंग कर्व्स आर यू शेप्ड एक्सेप्ट यानी कि फ्रेंड्स ऐसे कौन सा कर्व है जो कि यू शेप्ड नहीं है यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो हमें ऐसा कर्व बताना है जो कि यू शेप्ड नहीं है तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू ए एफ सी कर्व ए एफ सी कर्व फ्रेंड्स क्योंकि इसमें जो ये ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे टच करता है ना ही ये वर्टिकल मल्टी स्टेज स्ट्रटिफाइड रेंडम सैंपलिंग यानी कि मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है वो कौन सी सैंपलिंग है ऑप्शंस हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सेलेक्टिव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नन ऑफ आंसर है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के जो यूनिट है उसमें कौन से जो इनपुट है वो आउट सॉरी जो आउटपुट की तरह कंसिडर किया जाता है फ्लॉपी डिस्क डे डेट एंड सीडीज प्रिंटर वीडियो डिस्प्ले यूनिट या फिर माइक्रोफिल्म तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रिंटर है वो आउटपुट की तरह यूज किया जाता है कंप्यूटर में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इनवॉल्व यानी कि जो फ्रेंड्स अथॉरिटी के जो प्रोसेस होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है ऑप्शन हैं ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी ट्रांसफर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसफर ऑफ की मैनेजमेंट फंक्शन ठीक है फ्रेंड्स तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन थ्री वो कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफर दिखाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट एनालिसिस इज यूज टू इन विच ऑफ़ फॉलोइंग ियल फंक्शन यानी कि जो सॉर्ट एनालिसिस जो है वो किस मैनेजीरियल फंक्शन में यूज की जाती है ऑप्शन से हमारे ऑर्गेनाइजिंग डिसीजन मेकिंग मोटिवेटिंग या फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू शॉर्ट एनालिसिस हमेशा डिसीजन मेकिंग में यूज़ की जाती है क्योंकि कभी हम बिजनेस में किसी भी तरह का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है वीकनेस क्या है अपॉर्चुनिटी क्या है एंड थ्रेड्स क्या है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम अपने गोल को डिसाइड कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि अब हमें किस तरह से अपनी जो भी थ्रेड्स हैं उस तरह किस तरह से उनको रिमूव करना है किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी को लेना है ये सारी चीज़ें हम उसी के बेसिस पे करते हैं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन है ऑप्शंस हैं फिक्सिंग प्राइसेस कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन प्रमोशनल एक्टिविटीज या कि वो फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव तो फ्रेंड्स का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन थ्री जो कि है प्रमोशनल एक्टिविटीज क्योंकि फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमेशा प्रमोशनल एक्टिविटीज की बात की जाती है क्योंकि अगर हमें ज्यादा प्रमोशन कराना पड़ेगा तो हम ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हम उसी तरह का लेंगे लेकिन अगर हमें प्रमोशनल एक्टिविटीज हमारी इतनी नहीं है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हम इस तरह का नहीं लेंगे या फिर जो लॉन्ग प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे डिपेंड करता है कि हमारे किस तरह का प्रोडक्ट है किस तरह का एरिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइन कवर्स यानी कि जो प्रोडक्ट लाइन है वो क्या कवर करती है जनरल रिटेलर वन प्राइस रिटेलर डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर ऑल ऑफ दी अव तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन फोर जो है है, कि है ऑल ऑफ दी अव नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिवरेज रेशो यानी कि इनमें से कौन सा लिवरेज रेशो नहीं है ऑप्शन है टोटल डेट रेशो डेट इक्विटी रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो या फिर क्विक रेशो तो फ्रेंड्स का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी क्विक रेशो हमारा लिवरेज रेशो नहीं है नेक्स्ट है पीरियड मेथड आल्सो कॉल्ड यानी कि बैक पीरियड मेथड जो है उसको क्या कहा जाता है पे आउट मैथड पे ऑफ मैथड पे बैक मैथड या फिर ऑल ऑफ़ तो फ्रेंड्स राइट आंसर है है वो ऑप्शन थ्री पे बैक मैथड कहा जाता है उसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट के वो एसोसिएटेड है अब्राहमो से एल्टन मायो से पीटर ड्रकर से या फिर Frederick से। तो फ्रेंड्स का जो रिलेटेड है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन से जॉब एवेल से रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन से या फिर प्रमोशन से तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा जो हमारी जॉब एट्रिशन जो होती है वो हमारी रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशलाइज्ड न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज लेटर मर्ज विद जो नेशनाइज न्यू बैंक ऑफ इंडिया है वो लेटर यानी बाद में किस में मर्ज हो गई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ बड़ौदा में पंजाब नेशनल बैंक में या कैनरा बैंक में तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री ये मर्ज हो गई थी पंजाब नेशनल बैंक में नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन इंडिया यानी कि इंडिया में फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा सेटअप हुआ इट बी आईसीआईसीआई आई आर बी आई या फिर आई एफ सी आई तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि आई एफ सी आई नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑप्शन इज नॉट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि जो कौन सा सेक्शन है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का नहीं है करंट uh, अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या फिर लॉस अकाउंट तो फ्रेंड्स का जो राइट right आंसर है वह है ऑप्शन डी जो कि है लॉस लॉस अकाउंट अकाउंट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑप्शन नहीं है या फिर सेक्शन नहीं है नेक्स्ट है विच कॉन्फ्रेंस हैड गिवन बर्थ टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिसने बर्थ दिया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ऑप्शन हैं उरोगे राउंड कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन बुट कॉन्फ्रेंस या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम आई एम एफ भी बोलते हैं उसको जन्म दिया था ब्रिटेन बुट कॉन्फ्रेंस ने जो कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है ब्रिटेन बुट कॉन्फ्रेंस

ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो फ्रेंड्स लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमेटी ऑर्गेनाइजेशन तो फ्रेंड्स इसमें से जो हमारा ऑप्शन है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम अकर फर्स्ट यानी कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फर्स्ट टाइम अकर हुआ था फेयर सिस्टम सोशलिज्म कम्युनिज्म या फिर कैपिटलिज्म तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए लेस फेयर सिस्टम हमारा फर्स्ट टाइम अकर हुआ था सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेशनल इनकम में नेशनल इनकम है वो किससे डिट्रोमाइन की जाती है इनकम अप्रोच से एक्सपेंडिचर अप्रोच से प्रोडक्टिविटी अप्रोच से या ऑल ऑफ दी तो फ्रेंड्स ये दिटरमाइन uh, की जाती है ऑल ऑफ दी आप इनकम के थ्रू भी डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेंडिचर से भी या फिर टोटल प्रोडक्टिविटी को देख भी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज डिफाइंड एज यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द दिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मीन या फिर एवरेज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन या फिर इंटरकोटाइल रेंज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन या फिर कोरिलेशन रिलेशन बिटवीन द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड पॉपुलेशन मीन तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वन स्टैंडर्डिएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन यानी कि जो भी मीन निकल कर आएगा उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन निकालना हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का उसका मतलब होता है नेक्स्ट आता एथिक्स in यानी कि इसमें से कौन सी इन्वॉल्व नहीं है फर्स्ट आता है बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यू थर्ड आता है बिजनेस एथिक्स बाय सोशल कल्चर वैल्यू या फिर फोर्थ हमारा बिजनेस एथिक्स इज नॉट इंस्पायर्ड सोशल वेलफेयर तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इसमें लिखा गया है कि जो सोशल एथिक्स हैं, वो सोशल शुश, वेलफेयर से इंस्पायर्ड नहीं होते जबकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे एथिक्स ऐसे होते हैं, जो कि हमारे सोशल वेलफेयर से इंस्पायर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स इन्वॉल्व यानी कि जो सेल्स फोर्स है उसका मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन ऑफ सेल्स रेमोनिशन टू सेल्स मैन ट्रेनिंग ऑफ सेल्स मैन या फिर ऑल ऑफ द अवब तो फ्रेंड्स का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवब सेल्स फोर्स के मैनेजमेंट में आप सिलेक्शन भी करेंगे सेल्स मैन का सेल्स मैन की रेमोनेशन की भी बात होगी और सेल्स मैन की ट्रेनिंग की भी उसके अंदर बात की जाएगी तो ये सारी चीज़ें ही सेल्स फोर्स के मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी गवर्निंग एंड रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि ऐसी कौन सी परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है गवर्नमेंट की जो कि गवर्न करती है और रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाती है तो उसमें रेगुलेट करती है ऑप्शनस हैं कैट Bank, या फिर आई तो फ्रेंड्स right जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं रेगुलेट करती है रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती है तो डब्लू टी ओ वो करती है नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट इन यूनियन बजट मीन यानी कि यूनियन बजट में फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब है ऑप्शनस से हमारे द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड इनकम नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरिंग्स सेकेंड ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू थर्ड ऑप्शन है द सम ऑफ मोनिटाइज डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट फोर्थ ऑप्शन है नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट बोरइंग फ्रॉम द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन टू फ्रेंड्स जब भी डिफरेंस की बात की जाएगी करंट एक्सपेंडिचर और करंट रेवेन्यू में तो वहाँ वो हमारा डेफिसिट होता है यहाँ पर ये यह लोग क्या बात कर रहे हैं बजटरी डेफिसिट और नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरइंग्स फ्रेंड्स यहाँ पर ये सिर्फ बोरइंग्स की बात कर रहे हैं जबकि यहाँ पर हम ऑल करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू सब की बात करते हैं यहाँ पर भी ये मोनिटाइज डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं जो कि रॉन्ग है और यहाँ बात कर रहे हैं नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जो कि बोरेंग से ही रिलेटेड है तो ये भी गलत है फिजिकल डेफिसिट में हम करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू की बात करते हैं इसलिए हमारा ऑप्शन टू जो है वो राइट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ग्रोथ विद इक्विटी यानी कि ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि हेल्प करता है हमारा ग्रोथ विद इक्विटी में तो ये किसका ऑब्जेक्टिव था ये नाइन्थ प्लान का था टेंथ प्लान का था एर्थ प्लान का था यानी या फिर सेवेंथ प्लान का था तो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव था हमारा नाइन्थ प्लान का जो हम नाइन्थ फाइव ईयर प्लान था ये उसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विथ एक्विटी नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन दिस फेयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ यानी कि जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है फॉरेन एक्सचेंज का उसका इंट्रोडक्शन क्या था वो किसका था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी टू थाउजेंड फाइव टू सिक्स का था या फिर एक्सिम बैंक का था तो फ्रेंड्स ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है The term industrial policy refers to, industrial policy है, वो क्या बताती है द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू दीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन या फिर रिमूव दाइनेंशियल फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इम्पीडीमेंट्स टू दफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ अ मार्केट ओरियंटेड कंपनी ऑफ लिबलाइजेशन प्रोग्राम इंक्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर तो फ्रेंड्स अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो ऑप्शन टू जो है हमारा वो राइट है क्योंकि इसमें ये बात कर रहा है जो भी स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल होते हैं उसको रिमूव करता है फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है और साथ ही साथ ये इफ़िशेंट फंक्शनिंग की बात करता है जो कि मार्केट ओरिएंटेड इकनॉमी में बहुत ही ज़रूरी है तो जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो सारी फीचर्स भी हम बोल सकते हैं वो सारे हमारे इस पॉइंट में कवर होते हैं तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर दी कस्टमर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका कौन कस्टमर होगा मैनेजर्स क्रेडिटर्स लैंडर्स या कंज्यूमर्स तो फ्रेंड्स का राइट right आंसर है ए जो कि है मैनेजर्स मैनेजर Manager इसका ओनर होगा सॉरी कस्टमर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन दफिशियंसी रेशो इफिशियंसी रेशियो इसमें से कौन सा है प्राइस अर्निंग रेशियो डेट इक्विटी रेशियो एसिड टेस्ट या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड तो फ्रेंड्स का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है एवरेज कलेक्शन पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्वलेंट कैश इक्वलेंट क्या होता है तो फ्रेंड्स कैश इक्वलेंट जो है उसका मतलब बैंक बैलेंस से है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज से है इन्वेस्टमेंट से है या फिर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर से है तो फ्रेंड्स का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन टू जो कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में वो हमारे कैश इक्ुलेंट कहलाते हैं यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज या ऐसी असेट्स जो कि इजीली कन्वर्टेबल हों जो शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाएं कैश में वो हमारे कैश इक्लेंट कहलाते हैं ये मेनली uh, जो होती हैं वो मोर देन वन ईयर की, की होती हैं सॉरी लेस देन वन ईयर की होती हैं

फॉलोइंग मैथडिंग डिमांड नहीं है ऑप्शनियन मैथड टोटल आउटले मैथड एक्सपर्ट ओपिनियन मैथड या कंट्रोल ओपिनियन मैथड तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू ये टोटल आउटलेट मैथड नेक्स्ट है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी

आप डायरेक्ट मुझे मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टा आई डी से भी कनेक्टेड होकर वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए बाय बाय